एंड सत श्री अकाल टू एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल निधीज मैजिक किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ आटे का हलवा, जिसे हम कड़ा प्रसाद भी कहते हैं। हर किसी ने गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद ज़रूर खाया होगा और ये बहुत टेस्टी होता है। ऐसा ही सेम टेस्ट और सेम टेक्सचर वाला हलवा आप अपने घर पर भी बना सकते हैं अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें दो कटोरी पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ही आपको गैस फ्लेम को ऑन करना है और हमें इसे कोई एक तार वाली या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। सिंपल, जब चीनी एकदम डिसॉल्व हो जाएगी तुरंत ही हम गैस बंद कर देंगे। चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे और पैन को साइड रख देंगे। अब एक कढ़ाई में एक कटोरी आटा ऐड करेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। आपको इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। बस हमें इसमें थोड़ा सा ही कलर चेंज करना है। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि हम हाई फ्लेम पर आटे को भून रहे हैं तो आप इसको लगातार चलाते रहें। आटा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें एक कटोरी देसी घी ऐड करेंगे। घी डालने के बाद भी आप 1 से 2 मिनट के लिए आटे को भून लें। जब तक इसमें बबल्स आना ना शुरू हो जाए तब तक आपको इसे पकाना है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने सबसे पहले आटे को ब्राउन किया, उसके बाद इसमें देसी घी ऐड किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, आटा और घी दोनों एक साथ भूनते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा हलवा बनता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप आटा और घी एक साथ भून रहे हैं तो आटा अच्छे से ब्राउन हो जाए तभी आप इसे पानी ऐड करें, नहीं तो वैसा हलवा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए। हलवा बनाते वक्त आपको रेशियो का ध्यान रखना है, यानी कि चीनी, आटा और घी तीनों चीज़ें आपको सेम रेशियो में ऐड करनी है और पानी हमेशा डबल क्वांटिटी में ऐड करना है। यानी कि अगर हम एक कटोरी आटे का हलवा बना रहे हैं तो आपको एक कटोरी घी लेना है, एक कटोरी चीनी लेना है और पानी 2 कटोरी। अगर आप ये रेशियो को ध्यान रखेंगे आपका हलवा हमेशा ही अच्छा बनेगा। अब हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे। चाशनी ऐड करते वक्त आप गैस फ्लेम को एकदम लो कर दें और धीरे धीरे करके ऐड करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हलवे का। जैसे ही आप इसमें चाशनी ऐड करते हैं, चाशनी ऐड करने के बाद आपको कंटिन्यूसली हलवे को चलाना है ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। आप देख सकते हैं हलवा कितना स्मूथ लग रहा है, इसमें कोई लम्प्स नहीं आए हैं और ये एकदम मक्खन की तरह लग रहा है, कहीं से कढ़ाई पे चिपका भी नहीं है। हलवा हमारा रेडी है। इस स्टेज पर आप गैस को बंद कर दें, आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंने पानी ऐड करने के बाद मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट के लिए हलवे को पकाया है और ये रेडी है। इतना बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है, आप इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना पकाएं। कड़ा प्रसाद बनाने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। ये बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाता है और इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डलते हैं। जो प्रॉपर जो गुरुद्वारे वाला प्रसाद होता है वो खाली सिंपल ये 4 चीज़ों से ही बनता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं जाते हैं। इसलिए मैं भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करूँगी और इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। आपने देखा कितना आसान था कड़ा प्रसाद बनाना। अब जब भी आपका मन करेगा आप बड़ी आसानी से अपने घर पर इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। फिर मिलेंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।